अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एजाज मिर्ज़ा और मैं यहाँ पे चाइना में नॉर्थ चाइना इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है कि चाइना कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ है, और जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और हम भी एज ए पाकिस्तानी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्योंकि हम आउट ऑफ कैंपस रहते हैं, जब भी यूनिवर्सिटी जाते हैं, लैब वगैरह में जाते हैं, तो हमारी स्क्रीनिंग होती है। और आज एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो भी बंदा यूनिवर्सिटी से बाहर है, जो दोबारा इंटर होगा, तो उसे आइसोलेट किया जाएगा और 10 से 15 दिन के लिए उसे अलग रखा जाएगा बाकी स्टूडेंट से। तो इस तरह की मुश्किलात तो हैं, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट कर रही है, बहुत प्रोटेक्शन दे रही है, और इंशाल्लाह जो है ना, चाइना बहुत जल्द इस पे ओवरकम कर लेगी चाइना की गवर्नमेंट। एंड पे ये है कि जब हम ग्रॉसरी के लिए बाहर निकलते हैं, वहां पे थोड़ी सी इनकी मार्केट्स वगैरह बंद है, उस वजह थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमें। बाकी ओवरऑल इनकी हुकूमत हमें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है और अलहमदुल्ला हम बिल्कुल फिट हैं हर लिहाज से। बाकी पाकिस्तानी पब्लिक को चाहिए कि इनके लिए दुआ करें, ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री पे भी आ सकती है।